हेलो। तो आज तो ये टीओपीजी का तीसरा वीडियो है, और ये है हमारे स्कूल के दोस्त मिस्टर शिवम शिवा शिवम 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 मिश्रा। और आज हम लोग कुछ ऐसे ही नौटंकी वाले टॉपिक्स पे बात करेंगे, और इसको हम कहेंगे खटिया पे चर्चा, क्योंकि चर्चा। चाय हमारी खत्म हो चुकी है, इनकी बची हुई है, तो चाय पे चर्चा इसको नाम दे नहीं सकते, तो उसको खटिया पे हाँ, तो अब चर्चा। हम लोग खटिया पे यार, चर्चा करेंगे। खटिया किस जमाने से, मतलब समझो ये चली आ रही है लोगों आज भी, लेकिन जो इसमें बैठने का सुख है, हाँ, मतलब यार घर का तख्त हो गया, तखत बेड हो हो गया। गया, बेड के ऊपर चाहे जितना मुला 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 मुलायम गद्दा हो, हाँ, पर खटिया बिछाओ और ऊपर 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 पेड़ की छांव छाव है, सही के बात जो है, मजा है जो मजा है। आप खुले कहीं में भी। बैठो यार, वो जो किंग साइज बेड ले लो आप, उसमें वो अंदर घुसने वाले एसी गद्दे ले चला लो, लो, कुछ ना एसी चला मजा लो, नहीं। वो मजा बाहर नहीं बैठे है। हम लोग, ये दोपहर का कितना बज रहा होगा, ये 12 दोपहर बजे, का 12 बजने वाले का आ गया, 12:30 हो रहा और है, चाय और हम भी लोग है, चाय गरम गर्मी एटमॉस्फियर, गरम में चाय। चलाया, और हम लेकिन लोग ये कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हाँ, सुकून इस खटिया में बैठ के अभी दिखा नहीं सकते, लेकिन इतनी अच्छी हवा चल रही है कि मतलब आप उसका अंदाज़ा ऐसे तो एसी में बैठते हुए इस वीडियो को देखते तो नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, बाहर आइए, खटिया चर्चा डालनी पड़ेगी। करिए। ऐसा कोई कोई पार्क हो सही बात है, तो वहीं पे जाइए, ऐसे खटिया बैठिए, डालिए, ऐसे बैठिए खटिया में, और वो यहीं पे अगर आपके पास कुछ कुछ हो, हो, चाय के अलावा कुछ एंटरटेनमिंग कैरम रिसोर्स, बोर्ड, कैरम बोर्ड हो, कुछ पत्ते टाइप्स लूडो। हो, हाँ, लूडो। तो ये जो कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, उसका जो मजा, सही बात है, जा जा घर घर में बैठे बैठे इंसान परेशान होता है, उससे होता तो है, अच्छा ही है कि अच्छा ही बाहर है। बैठे हैं, और क्या, प्रॉपर 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 वेंटिलेशन है। देखिए सरकार ने कहा है कोरोना के टाइम पे वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, हमने इतना बड़ा वेंटिलेशन दिया हुआ है यहाँ मस्त पर वाला। कि मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि इतना अच्छा वेंटिलेशन है आप। लेकिन यार, एक शोभित खटिया की बात ही कुछ और है। पहले टाइम पे हमको याद एक है, सेकंड रुको, कोई जरा जरा मोटर देखिए बनता ये थोड़ा सा, ये जो शोभित ने थोड़ा सा किया है, ये इसको आप इग्नोर करिएगा, ये ऐसे बीच बीच में आता जाता रहेगा। ये थोड़े तो जरूरी खटिया का, काम है। खटिया की इम्पोर्टेंस मतलब आज के टाइम तो लोग इतना, जो आज की जनरेशन के बच्चे नहीं समझेंगे यार। हम लोग के टाइम याद है लाइट चली जाती थी, अरे मत कहो यार, छत पे पड़े 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 रहते थे पसीने रहते में, और पूरे शरीर पे थे, मच्छर, मच्छर बत्ती नहीं है। बत्ती नहीं है। पर उस टाइम पे पता है क्या अच्छा, हाँ किसी के पास किसी के पास फोन हाँ फोन फोन था ही नहीं। नहीं तो यार उसमें वही होता था कि आप छत पे बैठे हो, बगल के गुप्ता जी आ गए, बगल के हाँ, ठाकुर साहब आ गए, बस वही वो असलम बातचीत हो साहब आ रही गए, है, मुझे चारों कम्युनिटी के लोग चल आके रहा है, बातचीत हो रही है इनकी, दिनचर्या, कुछ बीवी की बीवियाँ आ गई तो अपनी थोड़ी पतियों की बुराई बुराइयाँ थोड़ी मुझे चुगलियाँ। ये सब तो वो होता रात में था। होता था, अब वो चीज़ गली मोहल्ले में इंसान जो है अपना अपने में बिजी हो गया है, फोन पूरे दिन फोन पे, जैसे पे चले गए, तो सही बात है। जैसे हमारा ही है कि हम सही भी बात है, पूरा दिन बैठ के कोई टीवी सीरीज, तो खाली तो अब बैठने का इन टाइम नहीं ही है, नहीं है, इन सही बात है, इंसान क्योंकि ने खाली टाइम को खाली टाइम रहने नहीं दिया। अब क्योंकि हमको हमेशा कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए होता चाहिए है। होता है, अगर हम खाली 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 खाली
खाली बैठे हुए हैं, तो वही सब होता है कि हमने पहले क्या 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 करा क्या था, क्या क्या नौटंकियां करी है नौटंकियां हमने, तो उसको बेसिकली तो हमें पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, सही तो बात वो है। चीजें हमें अच्छा अपने को पसंद नहीं आती, नहीं आती, तो हम उसी उसी टाइम कोई दूसरा कोई दूसरी दूसरी सीरीज स्टार्ट स्टार्ट कर कर देते हैं। देते हैं। अरे आप सीरीज छोड़ो सोभित जी, ये बात समझो, हम लोग जब बैठे होते हैं, हमने फोन निकाला, उसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कुछ, उसमें कोई कुछ कुछ भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं, हमने कल फोन उठाया, उसको अनलॉक किया, हमने एक बार स्वाइप अप किया, स्वाइप डाउन किया, हमने लॉक कर फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप यूट्यूब चलाया बंद कर दिया यार, करने को कुछ करने को। अरे अपने ट्वेल्थ के दिनों ही याद कर लो, पटरी पे यही पटरी पे यही पीछे ही, आप लोग मानेंगे नहीं, पत्थर ले लेके क्यों कुछ कुछ काम बैठे होते थे, हमने पत्थर उठाया और हम वो एक पत्थर चुनते थे जिसपे हमें निशाना लगाना है, तो हम बैठ के बस निशाना लगा रहे उसमें। लेकिन हाँ उस टाइम पे उसी चीज में जो मजा था, क्योंकि उसमें ना आपकी आंखें खराब हो रही हैं, ना आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत है, और ना आप दुनियादारी से इतना मतलब रखते नहीं थे। अब तो देखिए चश्मा पहनना जरूरी हो गया है, चश्मा पहनना जरूरी, पापा पापा आ गए तो अब हम जरा पापा को भी दिखा देते हैं। आज हो जाएगा ये ये हम एक प्रैक्टिस कोर्स कर रहे हैं, तो उसी का ये वीडियो है। बैक टू नॉर्मल तो यहाँ हम लोग की चर्चा है, बगल में शोभित के पिताजी की चर्चा है, वहाँ पे आपको कुछ नालायक दोस्त आ जाए, कुछ और स्कूल वाले दोस्त आ जाए, कुछ हो सकता है।